नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनी के इंपॉर्टेंट अपडेट के डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस सिचुएशन में जब मार्केट कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं और उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में आपको किस तरीके से मतलब मार्केट के ऊपर बिहेव करना चाहिए, तो वो आपको मैं इस वीडियो के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो फर्स्ट जो कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा उसका नाम है एक्सिस बैंक। देखिए, एक्सिस बैंक के बारे में चर्चा करूं तो एक्सिस बैंक के पिछले दिनों में क्वार्टर टू का रिजल्ट पब्लिश हुआ था, और रिजल्ट किस तरीके से हुआ एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा, और उस झलक को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हाँ, मार्केट में आज नेगेटिविटी के कारण, ग्लोबली मार्केट के नेगेटिविटी के कारण इंडियन मार्केट गिर रहा है। ऐसे बिल्कुल कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है इंडियन मार्केट में जहां पे मार्केट में प्रेशराइज हो। तो अभी देखिए, एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट है, मैं डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर जाकर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देखना इस चीज को कि यहाँ पे जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो कितना है, लाखों में है। तो लाखों में यहाँ पे रिजल्ट देखा है, मैं करोड़ों में आपको कन्वर्ट कर दूंगा। तो इन डिटेल्स आप रिजल्ट को देखिए, कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए, जो यहाँ पे टोटल इनकम, बैंकिंग का जो इनकम है वो एक्चुअली किस तरीके से इनकम होता है, एक्सपेंस का, सॉरी इंटरेस्ट इनकम, साथ ही साथ जो बिल्स है, एडवांस जो पेमेंट्स है, डिस्काउंट पेमेंट है, उसके साथ साथ आरबीआई से जो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट के माध्यम से, वो सब कुछ यहाँ पे ऐड होगा। सब कुछ जुड़ने के बाद कंपनी का टोटल जो इनकम हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। मैं चलो डायरेक्टली करोड़ में कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे करोड़ में कन्वर्ट कर दूंगा तो लास्ट जो दो अंक है इसको मैं हटा देता हूँ, कभी 31,660 करोड़ के आसपास। तो पिछले बार कितना था, पिछले बार था 30,644 करोड़ के आसपास, और पिछले साल में क्या था, पिछले साल में था यहाँ पे 24,094 करोड़ के आसपास। तो एक बार आंकड़ा को देखिए, पिछले सालों के तुलना से शानदार तरीके से सेल इंक्रीज हुआ, और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी इंक्रीजिंग देखने को मिला। इसका मतलब सेल्स में शानदार एक परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अभी सेल्स बनने के बाद कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो टोटल जो एक्सपेंडिचर हुआ, मतलब टोटल जो खर्चा हुआ उसके उसके बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो एक्सपेंडिचर, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर आपके सामने ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, करोड़ में कन्वर्ट कर दो तो 23,000 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं, और पिछले बार कितना था, 21,000 करोड़ के आसपास, 21,829 करोड़ के आसपास, और पिछले सालों में था 16,300। इसका मतलब कंपनी जिस तरीके से सेल्स को बढ़ाया उस तरीके से एक्सपेंस को भी कंपनी ज्यादा कर दिया, और जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में कुछ इंपैक्ट देखने को मिला। प्रॉफिट ऑब्वियसली अच्छा हुआ, तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड इस चीज को आप देखेंगे तो कितना प्रॉफिट आया, तो 5,863, ध्यान से देखना इस चीज को। अभी पिछले बार कितना था, 5,797 करोड़ के आसपास, और पिछले साल में कितना था, पिछले साल में था 5,330 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। तो कंपनी के जो नजरिया है कुछ अलग लेवल से आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑफ ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस दोनों में ही ज्यादा देखने को मिला। अभी यही चीज को मैं आपको आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करूं तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है, अब कुछ लास्ट कुछ क्वार्टर्स के डेटा देखेंगे तो पिछले सालों की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, और कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स को भी कंपनी बीट कर पाए। तो इसका मतलब कंपनी जो एस्टीमेट है उसको बीट कर पाए। अगर देखिए, आप कहेंगे सर मार्केट में इतना प्रेशराइज क्यों है, इतना वोलेटिलिटी क्यों है, अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि देखिए इंडियन मार्केट के ऊपर उतना ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है। जो टोटली नेगेटिविटी है वो एक्चुअली देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट से है, और हाँ, इन्फ्लेशन एक बनने के कारण इन्फ्लुएंस बनने का चांसेस भी है, क्योंकि जिस तरीके से मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, पिछले दिनों में मार्केट क्रैश क्यों हुआ था उसके पीछे एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया, वहां पे उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ रिजल्ट दिखाने के बाद दो पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए, दो पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जो आपको देखना ही है। उसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बता दूं, कंपनी का प्रोविजन। अभी देखिए प्रोविजन क्या होता है, देखिए प्रोविजन के बारे में बात करूं, सॉरी प्रोविजन यहाँ पे है, आप देख सकते हैं 8 नंबर का जो कलम है यहाँ पे प्रोविजन जो दिखने को मिला। देखिए शानदार तरीके से कंपनी प्रोविजन को कंट्रोल किया, करीबन 814 करोड़, जो पिछले बार हो गया था करीबन 1,034 करोड़। तो सोचिए कितना शानदार तरीके से प्रोविजन को कम किया, मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखा है तो कंपनी का प्रोविजन बढ़ चुके हैं, तो चेंजिंग तो हुआ। अभी एनपीए के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो नेट एनपीए है, परसेंटेज वाइज अगर नेट एनपीए के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो 0.36 के आसपास
पिछले बार था 0.41 के आसपास और पिछले सालों में था 0.51 के आसपास। इसका मतलब एनपीए को भी कंपनी अलग लेवल में कंपनी यहाँ पे कंप्लीट किए, अलग लेवल में कंपनी एनपीए को कम किया। देखिए बैंकिंग सेक्टर में जितना एनपीए कम होगा उतना ही कंपनी के लिए पॉजिटिविटी माना जाएगा। और एक चीज मैं आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ, देखिए कंपनी की जो रिटेल बैंकिंग है, मतलब रिटेल बैंकिंग डिजिटल बैंकिंग है, अदर्स रिटेल बैंकिंग है, सब कुछ जोड़कर कंपनी का टोटल जो रिटेल बैंकिंग में कंपनी का पैसा है हाथ में। अभी रिटेल बैंकिंग होता क्या है, मान के चलिए हम लोग बैंक में क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे वो करेंट अकाउंट हो। ये जो दोनों सेविंग एंड करेंट अकाउंट, इस दोनों को कहा जाता है कासा रेशियो। एक्चुअली सी आगे होगा उसके बाद इसे होगा, इसको बोला जाता है कासा रेशियो। तो कासा रेशियो का मतलब है सेविंग और करेंट अकाउंट। तो इस करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का दोनों जो पैसा है इसको जोड़कर बैंकिंग के हाथ में कितना पैसा बैंकिंग कस्टमर से उठाते हैं आप देखेंगे। तो इस बार कितना पैसा मार्केट से उठा पाए, करीबन 29,800, पिछले बार था 27,900, पिछले सालों में था 21,750 करोड़। इसका मतलब अलग लेवल में कंपनी यहाँ पे रिप्रेजेंट दिखाया। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में देखने को मिला। तो मुझे लगता है एक्सिस बैंक के ऊपर तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी के जो लास्ट कुछ इन्वेस्टर के बारे में बात करो आप देखेंगे तो इन्वेस्टर भी देखिए एफआईएस ने होल्डिंग्स को बढ़ा दिया और डीएस ने भी होल्डिंग्स को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बेचा, कोई बात नहीं। और बाकी देखिए प्रोमोटर और पब्लिक के पास सेम टू सेम होल्डिंग है। तो इसका मतलब एफआईएस ने होल्डिंग्स को बढ़ा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी यहाँ पे होने वाला है। अभी रही बात इस कंपनी के बाकी डीटेल्स का तो उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो उससे पहले कंपनीज के चार्ट पैटर्न एक बार देख लेते हैं। देखिए एक्सिस बैंक के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो मैंने आपको पिछले एक बार वीडियो, बहुत पहले एक वीडियो बना के शेयर किया था कि ये जो लेवल ब्रेकआउट हुआ है, बहुत सारे लोग यही मुझे पूछ रहा था कि सर इस लेवल ब्रेकआउट हुआ क्या बाय करना चाहिए। देखिए मुझे नहीं लगता है कि उतना पॉजिटिवली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम डाउन साइड में है, उतना हाई वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से वॉल्यूम था उस बेसिस में देखिए यहाँ पे एक जर्नी हुआ, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम हाई होना चाहिए था, मगर यहाँ पे वॉल्यूम हाई नहीं हुआ। तो अभी जो गिरावट का माहौल देखने को मिला है तो मुझे लगता है यहाँ पे जो रेंज है, ये जो स्ट्रांगली यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किए थे और सपोर्ट के बाद कंपनी बाउंस बैक किए, तो उसी सपोर्ट को वो रिटेस्ट करेगा और सपोर्ट का जो रेंज बनेगा वो करीबन 934 रुपीज के आसपास, इस लेवल तक वो आकर टच कर सकते हैं। इसके ऊपर आप स्टडी करिए और उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है वीवीएल। देखिए वीवीएल के बारे में चर्चा करने से पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वीवीएल इंडिया के सबसे पुराना, सबसे एक स्ट्रॉन्ग देखा जाए तो फूड बेवरेजेस कंपनी है, जो फूड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं। तो फूड बेवरेजेस कंपनी है और इस कंपनी का मार्केट कैप आज सबसे बड़ा है, 1,14,000 करोड़ के आसपास है। अभी इस कंपनी के ऊपर मैंने एक चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर किया था। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा क्योंकि हालत तो मेरा ही खराब होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे वीवीएल ने मुझे लॉस देने वाला है, इस तरीके से कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इस तरीके से कुछ पैटर्न क्रिएट हुआ और पैटर्न को यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया और मैंने यहाँ पे रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पे देखिए इस कैंडल के बाद यहाँ पे रिवर्सल किया, रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर तो गया था। और मैंने आपको बताया था कि मैं 20% प्रॉफिट ना मिले तब तक मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, चाहे मुझे लॉस भी हो तो मैं प्रॉफिट यहाँ पे बुक तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि प्रॉफिट उतना नहीं हुआ, करीबन 9% के आसपास गया था, उसके बाद नीचे आया। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के नीचे अगर ये जो लेवल है, मैं एक बार लेवल आपको मार्किंग करता हूँ, इस लेवल के अगर नीचे क्लोजिंग दे तो ऑब्वियसली इसके नीचे जो क्लोजिंग अगर मुझे दे तो इसके ऊपर मैं क्लोजिंग जरूर लूंगा। तो फिलहाल के लिए मेरा ट्रेड अभी भी कंटिन्यू है, अभी देखा जाएगा क्या होने वाला है। और वीवीएल के ऊपर मैं इसीलिए स्ट्रॉन्ग बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी का वो जो परफॉर्मेंस है वो आपको अलग लेवल का दिखेगा। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक फाइनली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, इसका डेट अनाउंसमेंट किया गया है 14 नवंबर में, आपको क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट होता दिखेगा। अभी वीवीएल के ऊपर मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का जो प्रीवियस जो डेटा है उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का सेल्स को अलग लेवल में लेके गया, अभी एक्सपेंस को कंटिन्यूअसली ग्रोथ कराता चला गया। अभी देखिए एक्सपेंस तो ग्रोथ होगा ही और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद प्रॉफिट जो मार्जिन बचा, जो प्रॉफिट बचा, आप देखेंगे कंपनी इस बार फर्स्ट टाइम 1000 करोड़ को क्रॉस ओवर किया है। इसका मतलब अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। अभी जो सेप्टेंबर का जो क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है यहाँ पे रिजल्ट अच्छा खासा दिखेगा और नेक्स्ट जो दिसंबर का रिजल्ट आएगा तब उसमें कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि दिसंबर का महीना सर्दी का मौसम होता है, उस टाइम में शेयर के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को जरूर मिलता है क्योंकि माल कोल्डिंग्स का जो प्रोडक्ट है इसका, और वो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बेचा नहीं जाता, तो इसलिए उस टाइम में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल जाते हैं। फिर भी देखिए एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन, जैसे आप देखेंगे तो एफएसडीएस और पब्लिक के बारे में बात करो तो देखिए एफएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग को बढ़ा दिया
और डीएस ने क्या किया, डीएस ने भी छोटे मोटे स्टेक को बढ़ाया और पब्लिक ने कुछ स्टेक बेचा और प्रोमोटर ने कुछ स्टेक बेचा, छोटे मोटे क्वांटिटी बेचा। फिर भी देखिए, बेचना तो बेचना ही है, सेल तो सेल ही है, बाय तो बाय है। तो मैं यही कहूंगा कि कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो डेटा देखेंगे तो डिलीवरी कंटिन्यूसली डाउन साइड में जा रहा था। और जब डाउन साइड में डिलीवरी जा रहा था और मार्केट भी गिर रहे थे, तभी मुझे एक अंदाजा लग गया कि मार्केट में एक प्रेशराइज आने वाला है और ऑब्वियसली यहाँ पे एक सेलिंग जो परफॉर्मेंस है वो स्ट्रांग हो रहा है, तो इसका मतलब डिलीवरी कम उठ रहा है या फिर उतना ज्यादा। पहले देखिए कितना 70% के आसपास, 60 to 70% के आसपास यहाँ पे डिलीवरी उठाया जा रहा था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे कम होता गया और पिछले दिनों में तो 43% के आसपास डिलीवरी उठाया गया था। तो इसका मतलब अभी भी प्रेशराइज है। तो मैं जरूर कहूंगा VBL के ऊपर जरूर इसके ऊपर फोकस रखिए, और कभी भी नेक्स्ट कोई मौका मिले, कोई अभी फिलहाल के लिए तो मौका नहीं है क्योंकि मार्केट में गिरावट का माहौल दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से सिनेरियो क्रिएट हुआ है और भी करेक्शन मार्केट में हो सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए हर कोई स्टॉक के ऊपर में मुझे बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है कि सर अभी क्या करूं, मेरा तो हायर लेवल में बाई है, अभी गिर रहा है तो मैं क्या करूं। देखिए मैं एक चीज आपको बार बार बोलता हूं कि मार्केट ना कभी कभी आपको इस तरीके से सिनेरियो में जरूर आपको दिखाएगा, और इस सिनेरियो में अगर आप सस्टेन कर गए तो सोचना आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। क्योंकि विजय किडे जी का एक मतलब इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा कि कोविड के टाइम में उनका सारे पोर्टफोलियो बिग लॉसेस में था, और उन्होंने ये कहा कि कोविड के बाद उन्होंने 5 से 10 गुना प्रॉफिट कमाया जो कंपनी उसको लॉस दे रहा था। तो सोचिए पेशेंट का गेम है, सब कुछ पेशेंस का गेम है, तो आप पेशेंस दिखाएंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो बर्जर पेंट के बारे में चर्चा करूं तो इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आने वाला है, क्योंकि इसका क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसको अनाउंसमेंट हो चुके हैं। फाइनली उसका जो डेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 2 तारीख को, मतलब 2 नवंबर में कंपनी रिजल्ट अनाउंसमेंट करेंगे। और देखिए बर्जर पेंट के बारे में बात करूं तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था, जो मैंने ट्रेड कंटिन्यू कर रहा हूं, और वो ट्रेड कुछ इस तरीके से था, शोल्डर बना, सॉरी कप बना, यहाँ पे बिग कप बना, उसके बाद 1 2 3 3 बार यहाँ पे क्या बना, 3 3 बार यहाँ पे हैंडल बना। तो कप विद हैंडल बटन्स में आपको बार बार बोलता हूँ, जब कप विद हैंडल बटन्स बनेंगे उसमें आपको ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्मेशन में मैंने एंट्री लिया। तो यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने, उसके बाद क्या किया इस कैंडल ने, कंफर्मेशन कर दिया, इसके ऊपर एंट्री लेवल मेरा है। और देखिए ऊपर तो गया था, टारगेट के आसपास गया, वहां से वापस कर गया। तो देखिए यही तो खेल है, यही सब कुछ खेल है, और इसी खेल को आपको समझना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे सर आप तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। देखिए मुझे पता नहीं था इस दिन के बाद नेक्स्ट डे में इतना बड़ा क्रैश होगा, क्योंकि इस तरीके से सीनरी हर किसी को पता नहीं होता, और किसी को पता नहीं, एक्चुअली किसी को पता नहीं। हाँ अगर इनसाइडर ट्रेडर्स है कंपनी का अंदर के बाद उसको पता चल गया, तब वो इस तरीके से सेल करके वो अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो देखिए मैं तो कोई इनसाइडर ट्रेडर्स भी नहीं हूँ, और मैं हमेशा डेटा ऑनलाइन से जो मिलता है वो ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए उसके बाद देखिए बिग करेक्शन हुआ, और मुझे लगता है यहाँ पे एक स्ट्रांगली इस लेवल को स्ट्रांगली एक सपोर्ट जोन कहूंगा, क्योंकि इसी लेवल को एक बार रिटेस्ट किया और फिर से एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे रिटेस्ट करेंगे और उसको टच करने के बाद अगर रिवर्सल करके इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग दे और फिर से एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगा, और मैं इस गिरावट के लिए मैं तैयार भी हूँ। और मुझे लगता है ये जो लेवल्स है, यहाँ पे जो लेवल्स बन रहा है इस लेवल तक आएगा, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ही एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ है। तो देखिए आप कहेंगे सर बर्जर पेंट में इतना गिरावट क्यों हो रहा है, उसके पीछे 2 रीजन है। पहले बोल चुका हूँ जो एशियन पेंट्स, सिर्फ बर्जर पेंट नहीं, ऑल ओवर जितने सारे पेंट्स कंपनी सारे कंपनीज गिर रहे हैं, तो उसके हिसाब से पेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर एक प्रेशराइज है, क्योंकि क्रूड ऑयल का भी रेट बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ रहा है, जिसके चलते क्रूड ऑयल का प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही पेंट सेक्टर में गिरावट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए मैं यही कहूंगा, मैं तो इस कंपनी के ऊपर ट्रेड कंटिन्यू करूंगा चाहे कितना भी गिरे, और मेरे एंट्री लेवल से अगर 10% गिरे तो और भी मैं एवरेज करता जाऊंगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूं, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। और हाँ इस कंपनी के बारे में डेट याद रखना, जब क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तो इसके ऊपर डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस कंपनी के बारे में बात करने के बाद नेक्स्ट जो कंपनी के बारे में चर्चा करूं उसका नाम है टाल्बो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। देखिए टाल्बो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी के जो पिछले बार का जो रिजल्ट था उससे कंपनी का इस बार जो रिजल्ट आया वो अलग लेवल का है। वो धमाका जैसे कंपनी सेल्स भी किया और एक्सपेंस भी कंट्रोल किए, और कंपनी अलग लेवल का प्रॉफिट भी किया, करीबन 12 करोड़, 13 करोड़, 17 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। तो कंपनी जब इतना शानदार प्रॉफिट कर रहा है तो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए 2000
23 में मार्च मान में 28 तारीख को 380 के आसपास इसका प्राइस था और वहां से कहां तक गया, करीबन 1100 के आसपास। तो यहाँ पे जो जर्नी हुआ, इस जर्नी के बाद मैं जरूर कहूँ, इस जर्नी के बाद कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है स्प्लिट का। कंपनी 27 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाला है, मतलब कल के दिन आपको स्प्लिट देने वाला है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। इतने दिनों से मैं इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाकर आपको शेयर कर रहा हूँ और मेरे इस वीडियो के माध्यम से कोई भी अटेंशन नहीं है कि मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन करूं। तो प्लीज यहाँ पे जो स्प्लिट दिया जा रहा है, तो इस स्प्लिट को आपको पाना है, एक के बदले जो 5000 आपको स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है, इसको पाना है तो कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद स्टडी करके काम करिए। मेरे कहने पे कोई भी स्टेट मत, मैं कोई भी स्टॉक खरीदारी मत करिए, मेरे कहने पे सिर्फ सीखिए और सारी चीजों को देखिए, उसके बाद आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से खरीदारी करिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और हाँ लाइक तो जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।